बेंगल बोले मेरा है, उड़ीसा बोले मेरा है, खाने में जिसकी इतनी मिठास, उसमें क्या तेरा है क्या मेरा है। बैर भाव को छोड़ के एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तेरे मेरे सोच को छोड़ के जय जगन्नाथ बोलते हैं। दिल में अब से बस यही सोच हम रखते हैं, ना तेरा है ना मेरा है, रसगुल्ला जगन्नाथ जी का है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं जयश्री आप सबको स्वागत करती हूँ बुक कुक में। आज की रेसिपी है रसगुल्ला। सुन के मुंह में पानी आ गया ना, तो ठीक है रसगुल्ला बनाएंगे, लेकिन रसगुल्ला बनाने से पहले जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होता है छेना। तो छेना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट मिल्क को ले लिया है और गैस के ऊपर गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। दूध तो गर्म होगा ही, लेकिन बीच बीच में हम दूध को इस तरह से मिलाते रहेंगे और उसको अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। अभी आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से उबलने लगा है। इसी टाइम में हम इसमें विनेगर डालेंगे ताकि दूध हमारा फट के छेना बन जाए। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल विनेगर डालते ही छेना बन गया। बस ऐसे ही छेना हमें चाहिए रसगुल्ला बनाने के लिए। तो जैसे ही ये छेना बन जाएगा तो 1 मिनट तक हम ऐसे ही लो फ्लेम में गैस के ऊपर छेने को थोड़ी देर उबाल लेंगे। फिर उसको हम निकाल के एक स्ट्रेनर की हेल्प से छेने के अंदर से सारा पानी हम बाहर कर लेंगे। तो आप चाहे तो स्ट्रेनर की जगह पर कोई कॉटन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निकल गया सारा पानी छेने के अंदर से, अभी पूरी तरह नहीं निकला है। हम छेने को थोड़ा ठंडा करेंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम ठंडा पानी छेने के ऊपर डालते जाएंगे और हाथ से प्रेस करके उसके अंदर जितना भी पानी है वो निकाल लेंगे। बस उसके बाद हम इसको एक कटोरी के ऊपर छेने को आधा घंटे से 45 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि छेने के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। बचे हुए छेने के पानी को आप ठंडा करके किसी जगह पर स्टोर करके फ्रीज के अंदर रख सकते हैं, ताकि बाद में आप जब भी छेना बनाए इस पानी को आप विनेगर की जगह पर इस्तेमाल कर सके। अब हम रसगुल्ला बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। देख सकते हैं छेना के अंदर से पानी कितनी अच्छी तरह से निकल गया है। हाथ में थोड़ा सा ही छेने को इस तरह से हम मिला लेंगे। इसमें आधा चम्मच हम मैदा डाल के छेना और मैदा को मिला लेंगे। हथेली के इस पार्ट से छेने को 10 से 15 मिनट तक मसल के स्मूथ बना लेंगे। जैसे ही छेना अच्छे से मिसलने के बाद स्मूथ बन जाएगा तो हम रसगुल्ला के लिए छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। रसगुल्ले के लिए जो बॉल्स मैं बना रही हूँ यहाँ पर छोटे छोटे साइज का बना रही हूँ, क्योंकि बाद में हम जब इस बॉल्स को चाशनी में डालेंगे ये फूल के इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो
तो बन गया रसगुल्ले के लिए वॉल्स। अभी इसको साइड में रखते हैं और चाशनी बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में हम 2 कटोरी चीनी ले लेंगे और उसमें 4 कटोरी पानी डाल देंगे। इसको भी ऐसे ही हम मिलाते रहेंगे बीच बीच में जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। अब देख सकते हैं सारा चीनी मेल्ट हो गया है। इसी टाइम में 2 इलायची को कूट के इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए। जैसे ही चाशनी एकदम अच्छी तरह से उबलने लगेगा तो हम इसी टाइम में इसमें रसगुल्ले के लिए जो बॉल्स बनाए थे वो डालेंगे। रसगुल्ले बनाने के लिए याद रखिएगा जो चाशनी वो बहुत अच्छी तरह से उबलना चाहिए। एकदम उबलते हुए चाशनी में रसगुल्ले के बॉल्स डालना चाहिए। चम्मच से थोड़ा थोड़ा चाशनी को हम लेंगे और रसगुल्ले के ऊपर डालते जाएंगे, क्योंकि रसगुल्ले के नीचे के हिस्सा चाशनी के अंदर है लेकिन ऊपर का हिस्सा नहीं डूब रहा है, तो थोड़ा थोड़ा चाशनी हम उसके ऊपर डाल देंगे ताकि ऊपर का हिस्सा अच्छे से पक जाए। तो देख सकते हैं आप लोग इसका साइज कितना बड़ा बड़ा हो गया है। देख के मुंह में पानी आ रहा है ना। जब तक रसगुल्ला बनके रेडी हो रहा है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, आपका कमेंट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो बनके रेडी हो चुका है रसगुल्ला, अब हम इसको सर्व करेंगे। मिलते हैं और एक नए वीडियो में।